लड़की वहां से वो उठाओ। माँ का डर गलत नहीं है खाटू महाराज जी, प्लीज प्लीज इस औरत को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे 24 घंटे उसकी नजर हम पर है, लेकिन कैसे? चाहे जितना उपाय कर लो, इस घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और उससे तुम लोग रोक नहीं पाओगे। चेंज करके आना जी। आज कुछ ज्यादा ही मच्छर हो गया, ऐसा करती हूँ कोयल जला देती हूँ। रुचिता शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुचिता, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बाथरूम में तेल की शीशी गिर गई थी, उससे आवाज आई। तेल की? और देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है। मैं फिर मेरे पास मेरी पर्सनल झांसी की रानी जो है, उसके होते मुझे कैसे कभी कुछ हो सकता। मजाक मत कीजिए निहार जी, जब तक वो मटके वाली हमें मिल नहीं जाती तब तक हम आराम से नहीं बैठ सकते। पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी, वो क्या करेगी। उस मटके वाली की टेंशन तो मुझे भी है, पर मुझे लगता है कि वो जितना चाले चलेगी हम उसे और समझ पाएंगे और उसे उतनी ही आसानी से पकड़ भी पाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं निहार जी, लेकिन लेकिन मन में डर बैठ गया है। डर का इलाज है मेरे पास। क्या? रोमांस। निहार जी, इतने टेंशन के माहौल में भी आपको रोमांस कैसे सूझ सकता है? रुचिता, डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन का सबसे अच्छा इलाज रोमांस है। अब हर इंसान बीमारी की जगह दवाई के बारे में ही सोचेगा ना। निहार जी क्या हुआ आपको? कुछ जल रहा है रुचिता। जल रहा? हाँ वो मच्छर बहुत थे तो मैंने कॉइल जलाई थी मच्छर के लिए। मुझे कॉइल से एलर्जी है। क्या? I'm sorry, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। एक सेकंड। मैम सो सॉरी निहार जी, मुझे नहीं पता था कि आपको एलर्जी है। मैं पानी लेके आती हूँ। ज-
चाकू छुरी कैंची जो छुपाना है छुपा लो, लेकिन मेरा अगला वार अब ऐसे हथियार से होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। चाकू